another app in. बढ़िया बढ़िया आइए आइए सर नमस्कार कैसे नमस्कार हाँ जी सर आज की तरफ से ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है और भी वार्म वेलकम मिल रहा है अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं देख रहे हैं आज यहाँ बज रही है कहना चाहेंगे इस केरला स्टोरी बहुत सारी बातें इंटरनेशनल लेवल तक ये सारी चीज़ें गई हैं केरला स्टोरी बहुत सारी बातें अब क्या कहेंगे आप देखिए जो हिंदू जागरण मंच है उन्होंने इस फिल्म को बहुत बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया बहुत सारे शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए बहुत सारे लड़कियों को औरतों को इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित भी किया दिखाई भी तो हम भी उनके साथ उनके सपोर्ट की वजह से हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम आज उनके साथ इस शो में सहभागी होने आए हैं ताकि उन्होंने जो हमारी फिल्म को सपोर्ट किया उसके साथ साथ हम भी उनका धन्यवाद कर सकें और जो उत्साह आप आज अंदर थिएटर में देख रहे हैं ये पिछले 4 हफ्ते से हम देश भर में देख रहे हैं लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज़बरदस्त प्यार और बहुत अमेजिंग रिस्पांस दिया है तो हम इसके लिए पूरे देश के उन सारे प्रेक्षकों के बहुत बहुत आभारी हैं ये इट्स नॉट अबाउट मी जो काम किया है तीनों भारतीयों ने किया है इट्स ऑल अबाउट देम दे हैव थॉट अबाउट इट टेकन इट फॉरवर्ड कुछ सीखने को मिलता है आज ये टॉपिक्स इतने सेंसिटिव हैं अगर इनको आगे लेके नहीं दिया जाए रिजेक्ट करके दिखाया नहीं जाए आवाम तक पहुँचेगा ही नहीं कुछ चीज़ बीच में मैं अभी पढ़ रहा था दादा 2 दिन पहले विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अनुराग जी उन्होंने कुछ कहा इसके बारे में तो इट्स सो ईजी टू टॉक समथिंग नेगेटिव बट हकीकत जो है वो अपने सामने है इट्स अ टॉपिक विच रिक्वायर्ड अटेंशन एंड थैंक्स टू अब्दुल भाई इन्होंने इस चीज़ को आगे लेके पूरी तरीके से पढ़े इसमें देखिए बात यह है कि हमारे पास सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू और अलग अलग माध्यम से खबर आता है जैसे कि वेस्ट बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया लेकिन नॉर्थ बंगाल से लोग सिक्किम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए आसाम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए बस भर के और इसमें आम लोग अपने पैसा इकट्ठा करके 3-3 घंटा बस जर्नी करके जा रहे हैं वहाँ पे रात की शो देखने के बाद होटल में रह के आ रहे हैं मतलब इससे ज़्यादा हम शायद और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो खिलवाड़ चल रहा था हमारी देश की बच्चियों के साथ ये एक्सपोज्ड होने के बाद कुछ लोग हमारे ऊपर खफा है कुछ लोग मेरी आंखों का कीमत लगाया कुछ लोग विपुल जी को रास्ते में फांसी में टांगने के लिए बोला है तो हमें लगता है कि कुछ अच्छे काम किए हैं हमने इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है तो जैसे कि विपुल सर ने बोला अभी तक हमारे हिसाब से 5 से 7 करोड़ लोग फिल्म देख चुके हैं मतलब 5 से 7 करोड़ आशीर्वाद 5 से 7 करोड़ प्यार हमारे पास है तो ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होता है हमें लगता है कि हम ये लड़ाई को लड़ते जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ हमारी देश की मुद्दा नहीं है ये पूरे दुनिया की मुद्दा है और पहले बार हमारी देश के ये जो दुनिया भर में जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा था हम सही मायने में उनकी शामिल हुए सो जिम्मेदारी भी आए हमारे पास हम तैयार हैं Transformers Rise of
बदतमीज चलता रहा है। जय श्री राम, 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 भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोली जय 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 बोले, जय 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 श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, विपुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, विपुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय जरा माइक माइक वल्लभ चंद्र की जय, पवनपुत्र रूमान की जय, पता की जय, लेकर जाने वाले महानुभाव आए हैं। मैं सभी माननीय अतिथियों और पीछे के भी कार्यकर्ताओं को जरा देखने का मौका दीजिए। सभी जिला संयोजक सह संयोजक आगे आइए। जिला संयोजक सह संयोजक कार्यक्रम के सूत्र संचालन के लिए मैं यहाँ पर हूँ। हमारे माननीय जो यहाँ पर आए हैं, आदरणीय अनिल जी काशी मुरार का आज के इस कार्यक्रम के आप अध्यक्ष है। मेरा कैम इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आप, आपका यहाँ पर स्वागत है। यह हमारी करिश्माताई भोसले, आप इस ताई को जानते हैं, तो इधर आगे आइए। करिश्माताई भोसले यह मुंबई के मस्जिद की भोंगों की समस्या से आप सभी इनसे परिचित है कि पढ़ाई करने के लिए मस्जिद के भोंगे अगर तकलीफ देते हैं तो स्ट्रेट वे जाकर मस्जिद में वो भोंगे बंद कराने वाली यह दुर्गा सारी दुनिया भर में अपने इस साहस से परिचित करने वाली मैं करिश्मा। मैडम यहाँ पे लोग नहीं सर। दूसरी हमारी यहाँ पर जो आज के इस कार्यक्रम के सारे देश और दुनिया विपुल जी शाह इस फिल्म के निर्माता है और आर्ट डायरेक्टर है, कला निर्देशक है। इनका स्वागत और सम्मान हमारी साक्षीदाई गायकवाड़ इस समस्या को जिन्होंने पुनश्च यहाँ लाया है, उनका विवाह है हिंदू धर्म में पुनश्च कराया है, जो मुस्लिम बनी थी उनका ग्रेजुएशन किया, तो ऐसे साक्षीदाई गायकवाड़ जी से दोनों का भी यहाँ पर संगम हो रहा है। तो तीसरा इस बहुत ही खूबी से सुदीप्तो जी सेन इस पिक्चर के निर्देशक है और बहुत ही बखूबी से एकदम सुंदरता से जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो उनका सम्मान हमारी गायत्री ताई गुहाय इस विषय में नई मुंबई है। गायत्री ताई गुहाय इसी विषय पर नई मुंबई में कार्यरत है। लव जिहाद के साथ साथ में गौशाला और अन्य विषय में भी सक्रिय है। आप आसाम से है और यहाँ पर मंत्रालय में शासकीय सेवा भी देती है, अपनी एनजीओ भी चलाती है और आध्यात्मिक भी साधना आप करती है। तो गायत्री ताई गुहाय से हमारे इस सुदीप्तो सेन जो पिक्चर के निर्देशक उनका स्वागत। साथ साथ में आशीन जी शाह, केरल में जिस प्रकार से उन्होंने जाके गहराई से रिसर्च किया है इस फिल्म के लिए, बहुत ही ठीक है डायरेक्टर साहब ने किया है, लेकिन उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। तो हमारी निमंत्रित करूंगा आप दोनों के माध्यम से हमारे आशीन जी का
स्वागत और सम्मान किया जाए। दोनों भी लव जिहाद के विषय में पश्चिम मुंबई और गौरीताई अपनी रायगढ़ अलीबाग पनवेली क्षेत्र में सक्रिय है। लव जिहाद के अनेक बहनों को उन्होंने पुनः चलाया है। साथ साथ में और एक परिचय, नेहा जी कड़किया, एक सम्मान विशेष रूप से राहुल गुप्ता, ये जरा युवक आगे आ जाए, ये इंजीनियरिंग करता है युवक। इस युवक का सत्कार इसलिए विशेष रूप से, ऐसी कई बहनें जाती है उनको लेकर तो आते हैं, लेकिन ऐसी भयंकर घटना के पश्चात भी लव जिहाद की शिकार युवती को हिंदू धर्म में लाने के साथ उन, तो ऐसे युवक हिंदू समाज में है कि यह युवक ऐसी बहनों को पुनश्च हिंदू धर्म में लाकर उनका विवाह सम्मान से उनको पुनश्च जीवन जीने के लिए वह आज मार्ग प्रशस्त करते। राहुल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, अच्छे पढ़े लिखे। वो बहन हमको पता नहीं कि उस युद्ध में खड़ी है, तो वो सारी परिस्थिति जानकर उस बहन के साथ विवाह करते हुए उसको पुनश्च अच्छे जीवन पर लेके जाना। तो मैं आप सभी महानुभाव से कहूंगा कि आप इनका सम्मान करिए। तो यह एक सभी आए और ऐसे युवक जो 32,000 से अधिक बहने हैं उनको पुनश्च हिंदू धर्म में लाकर उनकी घर गृहस्थी बसाना, यह सही उद्देश्य में। जय श्री राम। गाय मारी राक्षस गाय मारता है, हम बछड़ा नहीं मार सकते। तो आज के कार्यक्रम का विशेष रूप से यही विषय था। मैं अनिल भाजी से दो शब्द कहे और बाकी भी सभी मान्यवर दो दो शब्द कहे। ये फिल्म में जब फिल्म फर्स्ट हाफ खत्म होता है, बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट में खत्म होता है, तो मुझे मालूम है हम लोगों की बात आप अभी सुनना नहीं चाहते हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, विपुल सर बॉम्बे में रहते हैं, अश्विन बॉम्बे में रहते हैं। आप लोग फिल्म देखिए, कोई भी सवाल है, बात करना है, हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले फिल्म तो देख लीजिए आप लोग। दादा ने कह ही दिया है कि फिल्म पहले देखो, मुझे बताया गया कि आप लोग सब पहले फिल्म देख चुके हैं और आज आप लोग आए हैं, आपके पूरे प्रयास का एक इतने वक्त में आपने इतने लोगों को फिल्म दिखाई, इसका जो प्रचार किया, जो लोगों तक पहुंचाने का काम किया, तो आज आप सब एक साथ बैठ के इस फिल्म का को देखना चाहते थे और इसलिए ये शो ऑर्गेनाइज किया गया ऐसा मुझे पता है। तो आप सब ने जो भी इस फिल्म के लिए किया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और एक इस विषय को देश के सामने लाना कितना ज़रूरी था, ये इस फिल्म की रिलीज के बाद ऑलमोस्ट रोज़ ही हमें कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है। दो दिन पहले दिल्ली में एक बहुत भयानक हादसा जो हुआ साक्षी नाम की लड़की के साथ, तो जो साहिल जो कि अपराधी है उसको मैं किसी धर्म या किसी जाति से नहीं जोड़ता, मैं उसको सिर्फ टेररिस्ट कहता हूँ। और ऐसे हर टेररिस्ट को एक्सपोज करके उसे सजा दिलवाना यह हम सबका एक फर्ज है। यही कोशिश हमने फिल्म के थ्रू की है। हम ना किसी मजहब ना किसी जाति के अगेंस्ट हैं, पर हर साहिल जो साक्षी के साथ जो करता है उसके हम अगेंस्ट हैं और रहेंगे। सो हम सब अपना काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अनिल जी से निवेदन करूंगा, उनकी एक खासियत रही है कि ऐसे कार्यक्रम के समय एक बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग्स वह माननीय विपुल भाई जी को सौंपेंगे। सभी अतिथियों के लिए उन्होंने प्रिंटिंग लाई है, तो अच्छी पेंटिंग है। अन्य विपुल भाई जी को अनिल भाई, साथ साथ में निर्देशक साहब के लिए भी एक पेंटिंग है और सह निर्माता साहब के लिए भी एक पेंटिंग है। तो अनिल भाई जी, आप सुजीत भाई को भी सारी भावनाएं एक चित्र में उतारती हुई ये सारी भावना अनिल जी ने दी है। अपनी भावनाओं को दर्शाती और एक चित्र
हमारे अश्विन भाई शाह सह निर्माता है अश्विन भाई के लिए और अश्विन भाई अनिल भाई मुराल का हमारे जिला के सारे संयोजक आगे आइए सर जिला संयोजक मुरारका जी कुछ दो शब्द आप भी बोल दीजिए थोड़ा सा दो शब्द पॉइंट जो रह गया आज हमारी जो अभिनेत्रियां अदा वो भी आना चाह रही थी और वो बहुत उत्साहित थी यहाँ आके आप सबसे मिलने के लिए लेकिन उनके बिल्डिंग में उनके करीबी रिश्तेदार के यहाँ एक दुखद प्रसंग होने की वजह से उन्हें लास्ट मोमेंट पर बैकआउट करना पड़ा तो उनका ये कहना है कि आगे कोई एक कार्यक्रम में वो आप सभी से मिलना ज़रूर चाहेंगी और आप लोगों से संवाद करना चाहेंगी तो मैं वो मनोज भाई के साथ प्लान करके वो ऑर्गेनाइज करूँगा ताकि आप सब उनको मिल सके और आपके दिल में जो भी बातें हैं वो उनसे शेयर कर सके थैंक यू वेरी मच आप सभी को ये सभी फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता है 100 से अधिक फिल्में जिन्होंने यहाँ पर हमारे विद्यापीठ जिला के संयोजक और पत्रकार दाभोलकर जी रविंद्र दाभोलकर मुंबई का एक बहुत बड़ा मोर्चा लव जिहाद लाइन जिहाद पर दादर में आयोजित हुआ साथ में हमारे रोहित कुलकर्णी हमारे खोपोली से आए हैं साथ में ठीक है जल्दी जरा जल्दी समय की कमी है क्योंकि मूवी देखना है दूसरा की टीम है सभी को राजेश कोटिया हमारे आखिर में शपथ लेकर यहां से जाना है शशांक राय शांता क्रूज चेंबूर गोवंडी के संदीप टेक्सने जी है सभी जरा दुर्गा सेव जी का जरा आगे आइए जो अभी महिलाओं की टीम थी सभी का एक सभी की एक चित्र हो जाएगी सारी दुर्गाएं सारी बहनें जो अभी इस विषय में कार्यरत है आगे आइए जरा सारी दुर्गाएं आगे आइए मनोज जी इस कार्यक्रम के शिल्पकर्ता मनोज जी आइए मनोज भाई आइए आइए तो दिया ही है इस फिल्म से हम लोगों को कितनी साहस मिली है हम जो बात टुकड़े टुकड़े में बोलते आ रहे थे आज एक ही फिल्म ने वन शॉट और एक ही बार में इतने सारे लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं वी आर गेटिंग वैलिडेटेड दूसरी बात उससे कितने लोग जागरूक हो गए हैं कितने लोगों ने बाइकआउट किया उन लोगों को छोड़ के बाहर आ गए हैं ये फिल्म नहीं है ये एक जागरूकता फैलाया है बहुत बहुत धन्यवाद जागरूक युवा मंच के जय जी प्रतिज्ञा के लिए गौरी शेलार आप माइक पर रहे गौरी शेलार चलिए धन्यवाद जय श्री राम महामुंबई यह संकल्प पूर्ण करने के लिए सब कार्य करने वाले हैं इसलिए सभी का संपर्क नंबर यहाँ पर रखा गया है तो बुक सारी वहाँ पर आप अंत में जमा करेंगे और...